that is a species area relationship. ठीक है, area relationship. बेटा एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है. ये ही इन्होंने देखा था कि एक रीजन में स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में जो कर्व आता है उसकी शेप क्या थी. ठीक है, हम्बोल्ट ऑब्जर्व्ड दैट विद इन अ रीजन the species richness increases when the exposed area increases. When the exposed area increases. ठीक है, और जब इसका ऐसा नहीं होता कि अगर ये इनफाइनाइट बढ़ता जाएगा तो वो स्ट्रेट लाइन वाला कर्व आएगा या जे शेप कर्व आएगा, तो इसमें स्पेसिफाई कर देते हैं बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. एक लिमिट तक ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट टाइम के लिए बढ़ता ही चला जाएगा. ठीक है, सो व्हेन द रिलेशनशिप between species richness and area, ठीक है, for number of different taxa, taxon आपको पता है ना, taxon के plural को हम taxa कहते हैं, for number of taxa like angiospermic plants, ठीक है, या फिर fresh water fishes कुछ भी हो सकता है. ठीक है, कोई भी species हो सकती है. ठीक है, birds etc. अगर ग्राफ बनाया जाता है, then the curve obtained is क्या नाम होता है उसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, ये इस तरह का कर्व आपने हो सकता है फिजिक्स में पढ़ा हो. अब हम इसके लिए कर्व प्लॉट करेंगे. ठीक
ठीक, तो एक्स एक्सिस पर, ऑन द एक्स एक्सिस वी प्लॉट एक्चुअली द एरिया, एरिया, और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्पीशीज, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज। तो यहां पर हमने प्लॉट किया है स्पीशीज रिचनेस, ठीक है, यहां क्या प्लॉट किया है आपने, स्पीशीज रिचनेस। तो इसका जो कर्व होता है, दैट कर्व इज ऑफ दिस शेप, ठीक है, और इस शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर पैराबोला। इसकी इक्वेशन जो होती है, दैट इज एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड। जब इसको लॉग स्केल पर कैलिब्रेट करते हैं या इसकी स्लोप की स्टीपनेस देखते हैं, तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, है ना, और फिर इसको लॉग स्केल पे देखते हैं तो इक्वेशन हो जाती है लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ठीक है। अब यहां पर इनके मतलब आपको पता होने चाहिए, वेयर एस इज इक्वल टू स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस, देन Z इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप कैसे है, स्टीप है या ब्लंट है, तो दैट इज स्लोप ऑफ लाइन। इसको एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रिग्रेशन कोफिशियंट, रिग्रेशन कोफिशियंट, ठीक है। देन ए स्टैंड्स फॉर द एरिया, ठीक, और सी क्या है, कॉन्स्टेंट से पहले है ना, तो सी होगा आपका वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एरिया हम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाती है, बट अगर ये इनफाइनाइट बढ़ती तो जो कर्व होता वो कैसा होता, जो कर्व होता वो ऐसे बढ़ता और बस ऐसे ही बढ़ता चला जाता, है ना, बट हियर द कर्व इज गेटिंग कर्व्ड, ये जो लाइन है ये ऐसे कर्व हो जा रही है, वो इसलिए क्योंकि एक लिमिट तक वो इंक्रीज करता है, देन इट बिकम्स कांस्टेंट, है ना, तो इसलिए इक्वेशन हो जाती है ऐसी। नाउ इसमें जो जेड है, जेड स्टैंड्स फॉर स्लोप ऑफ द लाइन, बेटा जेड की ना कुछ वैल्यूज होती हैं, तो इसमें हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है, वैल्यू ऑफ z। अगर नॉर्मल एरियाज होते हैं तो पॉइंट नंबर ए इन नॉर्मल एरियाज, ठीक है, नॉर्मल एरियाज में z की वैल्यू इट रेंजेस बिटवीन 0.1 to 0.2, इन नॉर्मल एरियाज z इज इक्वल टू 0.1 to 0.2, नॉर्मल जैसे अपना इंडिया नॉर्मल एरियाज में आएगा, और ये जो वैल्यू है ये सारी स्पीशीज के लिए होती है, ये हम इसको यहाँ पर ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि एल्गी के लिए अलग होगी या कुछ होगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्सोनॉमिक टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, इस पर डिपेंड नहीं करती है, बस ये ऐसी रहती है, ठीक है। अब अगर एरिया बहुत बड़ा है तो नंबर बी इन वेरी
large areas, in very large areas. Very large areas का example हो सकता है example entire continent, example entire continent, पूरा का पूरा continent है, ठीक है. तो इसमें जो z की value होती है it ranges from 0.6. देखो कितना difference हो गया, 0.2 से सीधा 0.6 हो गया. तो z is equal to 0.6 to 1.2 ऐसी वैल्यू हो जाती है. तो इसका मतलब क्या है, अभी तो आपको ये स्लोप दिख रहा है ऐसा, इस केस में स्लोप बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, स्टीप हो जाएगा. तो यहां स्टार बना के लिखते हैं, हियर द स्लोप इज मच स्टीपर, बिल्कुल सीधी लाइन हो सकती है, इज मच स्टीपर, ठीक है, स्लोप बिल्कुल स्टीप है. देन इसका बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल कुछ फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होती हैं जिनको फ्रूगी वोरस बर्ड्स कहते हैं, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, या जिनको वी कॉल इट एज फ्रूगी वोरस बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स have the value of z equals to 1.15. तो वही हो गया ना, 1.2 के लगभग हो गई. तो ये बहुत बड़े एरियाज के लिए होता है. इसका मतलब एक छोटा सा इन्फ्रेंस निकला, नॉर्मल एरियाज में जो स्लोप है, स्लोप इज नॉट मच स्टीप, बहुत ज्यादा स्टीपर स्लोप नहीं है, लेकिन बड़े एरियाज में जो स्लोप है वो बहुत स्टीप होता है, सीधी लाइन की तरह होता है, ठीक है. सो यू नोटेड डाउन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.